हेलो। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो इन प्रीवियस क्लास व्हाट आई हैव सीन In previous class, what I have read? In previous class, I have completed method of consistent deformation. Okay. So I think you have no problem in method of consistent deformation. So from today, I'm discussing about method of strain energy. So what is the strain energy? Hello. What is the strain energy? अमित कुमार फरमानिक, यस सर। व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? सब भूल गए हैं सर। सर स्ट्रक्चर मेंबर का सर पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड अदर एनीवन? I think there is many person. Okay, Susila. पता नहीं। Okay, Dharni. सर याद नहीं है। Okay, Jyotin Mehruj. सही सर, बट याद नहीं आ रहा ये वाला उठा। प्रकाश कुमार सा। सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वेरी गुड। स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन ए बॉडी और वी कैन से इन ए इलास्टिक बॉडी। इफ देयर इज एनी डिफॉर्मेशन इन एनी बॉडी देन देयर इज ए स्ट्रेन एनर्जी। ओके, यस। डिफॉर्मेशन इलास्टिक होना चाहिए ना। व्हाट? हेलो। डिफॉर्मेशन सर इलास्टिक होगा ना? Yes, if body is elastic, then there is a deformation. Okay. अगर तुम्हारा body elastic नहीं होगा तो उसमें deformation कहाँ से आएगा? Energy भी stored नहीं। हाँ, suppose there is a RCC beam, okay? CC beam में तुम्हारा steel होता है क्या? नहीं सर। सो वो कैसा मटेरियल हो गया? तो कंप्रेस नॉन इलास्टिक इलास्टिक मटेरियल हो गया। ओके, सो वहां पर डिफॉर्मेशन आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। वहां पर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा सर। आएगा बट बहुत आएगा। हाँ, पर नेगलिजिबल करेक्ट हो जाएगा सर। हैं? डिफॉर्मेशन करने से क्रैक आ जाएगा, नेगलिजिबल होगा। ठीक है, उसमें नेगलिजिबल डिफॉर्मेशन होगा, मींस वहां पे क्या होगा, क्रैक होगा या फिर ब्रेक होगा। ओके, इफ देयर इज ए इलास्टिक बॉडी देन देयर इज ए डिफॉर्मेशन एंड द एनर्जी स्टोर्ड विद इन दिस बॉडी नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। सपोज देयर इज ए वन मटेरियल,
दिस इज ए मटेरियल एंड वी अप्लाई लोड पी. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज ए मटेरियल लेंथ एल एंड वी अप्लाई लोड पी, व्हाट विल बी हैपन. And this is a elastic material. Elongate हो जाएगा सर. Yes, there is a some deformation. Suppose this is a deformation delta L. Okay. And if we increase this load. We increase this load up to here. So what will be happen? Deformation also increase. So next deformation is here, delta L. If we plot a diagram between deformation and load, in y direction, what we can write? Strain, sir. Strain. Or deformation. Okay. Deformation. Deformation delta L. And in y direction? Load. Load P. In this direction. If we apply load P here, so what will be the deformation here, and if we increase load, so deformation is here and load is here and deformation is here. So there is some inclined graph is there. Straight line, sir. Straight line inclined graph. Suppose means here point is here, here and here. If we up 1 minute. अगर मैंने क्या किया, load बढ़ाया, so deformation हुआ. Load जितना means हम increase करते जा रहे हैं, deformation क्या हो जा रहा है? बढ़ेगा सर. बढ़ता जा रहा है. मीन्स इंक्रीज कर रहा है. सपोज मैंने यहां तक एक ग्राफ बनाया, वन मिनट. सपोज अभी ये स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी हमने क्या बोला है? इंटरनल वर्क डन स्टोर्ड, उसका एरिया सर, उसका एरिया हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, है ना? ओके, उसका एरिया क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ इनटू सर, हाफ इनटू डेल एल इनटू पी. हाँ ओके, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल and also known as strain energy stored in this elastic body. So first of all, write definition of strain energy. Right here.
when a gradual loading, when a gradual load is applied on an or in an elastic body or elastic material, is strained. And work is done on the body, which is stored in the form of what? In the form formation. Internal energy. In the form of internal energy. Okay. Energy. So what this energy will done? This internal work done. This internal. This internal. Work done by the body in resisting the straining means ये क्या करेगा resist करेगा strain करने means वो क्या करेगा deform होने से क्या करेगा इसको resist करेगा जो हमारा इंटरनल वर्क डन होता है या इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या करता है डिफॉर्मेशन को अलाउ करता है कि रेजिस्ट करता है रेजिस्ट करेगा रेजिस्ट करता है सर दिस इंटरनल वर्क डन बाय द बॉडी इन रेजिस्टिंग द स्ट्रेनिंग the straining is known as strain energy. Known as strain energy. Okay. So write down this definition first. Then we will move to other formulas. And was one of most important question is here. What is this? Which type of load is here applied? Point load. No.
Yes, point load. I know that this is the point load. Means type of force is acting here. Axial load, sir. Axial load. Right. Very good. Axial load means in the horizontal direction. Axial load. And the formula is strain energy U equal to 1 by 2 P into delta L. This is strain energy. This is strain energy. Okay, so we will move for next. You all write note down this definition or not? Yes, sir. Okay. So next we will move about. And what is Hooke's law? Stress directly proportional to strain. Stress is directly proportional to? Strain. Strain. Directly proportional to strain. Okay, or we can write this sigma is directly proportional to epsilon. And if this avoid a write this equation like this equal to, so what will be here we can write sigma equal to constant into epsilon naught E epsilon. Properties of the material or Young's modulus. Young modulus. Yes. Sigma equal to E epsilon. So we can write this formula also as half P into delta. What we can write P as a, what is P here? Load, sir. So we can write this load as stress sigma into A and deformation epsilon into L. Okay. देखो यहां से देख लो जैसे ये है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई ई तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हेलो हेलो सिग्मा ए बाई टू इंटू एप्सिलॉन एल तो यहां से क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा डिवाइड बाई टू ई इंटू ए एल
ओके सो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर टू ई इंटू ए एल एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम सर वॉल्यूम तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए नंबर ए यू इज इक्वल टू वन बाई टू पी इंटू डेल्टा एल एंड नंबर सेकंड इज यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू ई इंटू वैल्यूम ओके हेलो यस सर यहाँ पे कितने फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू इसको लिख दो सिग्मा स्क्वायर बाय टू ई सिग्मा स्क्वायर बाय टू ई इनटू वॉल्यूम इनटू वी एंड नंबर सेकंड U इज इक्वल टू वन बाय टू पी इनटू डेल्टा एल ऐसे लिख सकता है लिख सकते यस सर ओके क्योंकि यहाँ डेल्टा एल क्या हो जाता है डेल्टा एल हमारा होता है पी एल बाई ए ई सॉरी ए इंटू ई ठीक है अब फिर नंबर थर्ड फॉर्मूला मेरे पास कौन सा आएगा U इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू पी इंटू डेल्टा एल की जगह क्या रख सकते हैं पी एल ए ई तो फॉर्मूला क्या बनेगा वन बाई टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर ए ई ओके अच्छा ये बॉडी कैसा था हमारा इलास्टिक इलास्टिक एंड यूनिफॉर्म बॉडी इलास्टिक एंड यूनिफॉर्म बॉडी मींस एरिया इज यूनिफॉर्म यंग्स मॉडुलस मींस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल इज सेम एंड डिफॉर्मेशन इज डेल्टा एल ओके एंड इफ वी टेक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी इफ वी टेक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मीन्स सपोज दिस इज ए बॉडी एंड सपोज वी कंसीडर हियर दिस एलिमेंट्री पोर्शन एंड सपोज दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप इज डी एक्स हेलो हेलो सपोज अगर हमने कुछ लिया है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ओके सो हम क्या करते हैं अगर मेरा पूरा बॉडी का अगर पता करना है कि कैसा है तो क्या करेंगे स्ट्रिप लेके सर हेलो सर की स्ट्रिप उस कर लेके करेंगे मींस इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना यस सर छोटा छोटा पार्ट सबको जोड़ देंगे हाँ इंटीग्रेशन करेंगे
मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर बाई टू ए ई एंड एल की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर PL. dx we can write here in the portion of L dx okay and integrate this formula 0 to L suppose this is a length of L so 0 to L okay So, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ठीक है हेलो हाँ सर ठीक है ये हो गया अभी क्या करना है मुझे अच्छा अभी मैं क्या कंसीडर कर रहा था इस सपोज एक यूनिफॉर्म इलास्टिक मटेरियल मैंने लिया एंड उसमें क्या किया मैंने एक्सियल फोर्स अप्लाई किया ओके कौन सा फोर्स अप्लाई किया हेलो हेलो यस एक वन मिनट हेलो यस सर इफ वी अप्लाई बेंडिंग मोमेंट ओके इन फर्स्ट पार्ट वी हैव अप्लाइड एक्सियल फोर्स एक्सियल लोड एंड नाउ इफ वी अप्लाई बेंडिंग मोमेंट नाउ इफ वी अप्लाई bending moment so what is the formula of bending equation integration of 0 to l m divided by 2 ei no bending equation I think you have already read in SOHM bending equation straight line y equal to m by i equal to r yes, by e yes m upon i is equal to sigma upon y equal to e by r remember yes sir okay so from here m upon i equal to sigma upon y so what will be the sigma sigma y divided by i my divided by i okay and we know that the formula of strain energy sigma square divided by 2e into volume okay so put here the value of sigma m square y square divided by 2e into I square and we can write this volume as dx da into dx for this non-uniform body and also integrate this formula okay so what we will get u is equal to
इंटीग्रेशन जीरो टू एल एम एंड दिस इज ए डी एक्स वैल्यू, सो वी कैन राइट हियर एक्स एम एक्स एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू ई आई स्क्वायर इन टू डी ए एंड डी एक्स. सो फ्रॉम हियर एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए हेलो क्यूब बाई थ्री सर व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए नो वाई बाई टू नो y square into no, a. This is the formula of second moment of area. I think you don't have any idea about your soul, and you don't know that what is the second moment of area. The moment of inertia by second moment of area, not inertia, area. Second moment of area. Second moment of area. Second moment of area. And we can write integration y square into dA equal to I. This is the second moment of area. So we can write this portion as I here m square mx square into y square divide by 2 e I square and we can erase this y square and we can write here I into dx. Okay, so the final we can cancel out this II, so we will get mx square into dx divided by 2EI. This is your final equation for non-uniform body. U is equal to integration m x square into dx divided by 2 EI. This is the formula of strain energy in non-uniform body. Okay. Hello. Yes, sir. Sir. Sir, पिछले वाला slide दिखा दीजिए ना, देख नहीं पाए completely. कौन सा सर? इसे पिछले वाला. पिछला वाला देखो, दिख रहा है? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर. टेक स्क्रीन हो गया. योर मीटिंग इज गोइंग टू एंड, सो यू ऑल अगेन ज्वाइन for the next formula. Castigliano theorem. And if there is a 1 minute, and if there is a twisting moment, number third, when we apply twisting moment, when we apply twisting moment, so what will be the
यूनिफॉर्म सॉरी स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला इज यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, टी मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय टू ई आई, सॉरी नॉट ई, हियर वी कैन राइट जी टू इंटू जी आई. दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी अप्लाई ट्विस्टिंग मोमेंट इन ए नॉन यूनिफॉर्म बॉडी और रोटेशनल बॉडी. हेलो,